देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ। सेनसेई ओमकार कश्यप ने बताया कि 6 से 10 सितंबर 2023 तक थाईलैंड बैंकॉक में हांशी भरत शर्मा जीएससी के एफआई कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के मार्गदर्शन में थाईलैंड में ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप भारत इंस्टीट्यूट डेंसिटी यूनिवर्सिटी पाठ्यम में आयोजित चैंपियनशिप में सिवनी जिले से 3 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनकी टीम कोच सेनसेई राधिका कश्यप रही। खिलाड़ी पार्वती सनोडिया फीमेल कुमेते ने अंडर 14 वर्ष 42 किलोग्राम में ब्रांच मेडल प्राप्त किया। मेल कुमेते में धैर्य सोनी अंडर 14 वर्ष 50 किलोग्राम में ब्रांच मेडल प्राप्त किया एवं प्लस 61 किलोग्राम में कैडेट फीमेल कुमेते में नाम्या सिंह राजपूत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेनसेई महेश कुशवाहा ने मार्गदर्शन में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लिया, तो वहीं महेश कुशवाहा सेनसेई राधिका कश्यप ने थाईलैंड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सिवनी जिले का नाम पूरे देश में इन खिलाड़ियों ने रोशन किया है। ये समस्त कराटे खिलाड़ी मास्टर सेनसेई ओमकार कश्यप के मार्गदर्शन में सेल्फ डिफेंस कराटे ट्रेनिंग सेंटर साकर सिटी अम्बेडकर वार्ड में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। समस्त खिलाड़ियों एवं उनकी कोच सेनसेई राधिका कश्यप को राजाराम सनोडिया नरेश सिंह राजपूत सेनसेई घनश्याम कश्यप विजय कुमार सोनी शिव सनोडिया जिला महामंत्री मोहन चंदेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर गुरुनंद सिंह सिंधु एवं डॉक्टर सुनील अग्रवाल अंकित मालू सेनसेई ओमकार कश्यप वंदना जनक तिवारी सेनसेई राजेंद्र पाठक नेपाल सिंह राजपूत संजय श्रीवास्तव समस्त खेल संघ प्रेमियों ने इन खिलाड़ियों को देश के नाम को गौरवान्वित करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भैया ये मैं पूछना चाह रहा था, ये बच्चे जो थाईलैंड से वापस आए हैं इनके बारे में कुछ। चलो ये सिवनी के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि थाईलैंड में हमारे सिवनी के नौनिहालों ने हमारे भतीजे हमारे बहनों भाइयों ने जाकर कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और अन्य मेडल प्राप्त किए हैं। आज इनका सिवनी आगमन हुआ है, इसको लेकर सुरमी समाज और अन्य समाज के सारे लोगों ने इनका बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया है और आज इनकी स्वागत रैली पूरे शहर में निकलेगी, जिसके बाद उनके निवास स्थान जरिए समापन होगा। हम सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ये इसी तरह से दीदी मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये बच्चों ने कौन कौन से मेडल प्राप्त किए हैं। ये बच्चों ने दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, इसने 14 साल उम्र में पार्वती ने 14 साल उम्र में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है।